बिहार से पहली बार 3 बच्चों ने एरोस्पेस सेटलमेंट चैलेंज में जीत हासिल की है। इस कंटेस्ट में पूरे देश से 600 छात्रों ने हिस्सा लिया था। ये रिपोर्ट देखिए। ये है वो 3 बिहार के बच्चे अश्च, आरुष और आरिफा, जिन्होंने नासा के एरोस्पेस सेटलमेंट चैलेंज में जीत हासिल की है। इस कॉन्टेस्ट में पूरे देश से 600 छात्रों ने हिस्सा लिया और सेकेंड प्राइज जीतने वालों में 10 स्टूडेंट की टीम रही, जिसमें 3 बच्चे बिहार के थे और बाकी 7 अमेरिका से रहे। तो हमने परमिशन लेकर कंपटीशन में प्रेजेंट किया और वहाँ पे हम लोग ने जीत भी गया और उससे स्कूल ने और मिर्जा फैजान की वजह से हमने पूरा कंपटीशन भी जीत गया। दरअसल ये 3 बच्चे क्लास 4 के हैं। इन बच्चों ने नासा के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए खास तैयारी की। 3 को स्कूल के साथ यूएस से एरोस्पेस साइंटिस्ट ने 6 महीने तक गाइड भी किया और प्रोजेक्ट चैलेंज की पूरी तैयारी कराई गई कि 5,000 लोगों के लिए एक कॉलोनी हम लोग को डिज़ाइन करनी थी। तो हम लोग को ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, वाटर, एनर्जी, फूड, हीट मैनेजमेंट और बहुत सारे चीज़ें। मुझे बहुत खुशी है अपने स्कूल और अपने इंडिया को नासा लेवल तक पहुंचाने पर। और जब मैंने पार्टिसिपेट किया था तब मैं इसी स्कूल में थी। वही स्कूल मैनेजमेंट बच्चों की इस सफलता से खुश है और आगे भी ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करने की बात कही। वी लुक फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर स्कूल ओपन माइंड्स दानापुर की और भी बच्चे नासा जाए। हमारी पूरी हेल्प रहेगी, मेंटरिंग रहेगी और जो करिकुलम हम पढ़ा रहे हैं, हम 3 करिकुलम पढ़ाते हैं, ICSE, CBSE एंड इंटरनेशनल बोर्ड को अमालगेट करके मिक्स करके पढ़ाते हैं, उसी का एक रिजल्टेंट है जो आप आज देख रहे हो। बिहार से पहली बार बच्चों ने नासा के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया और जीत भी हासिल की, जिससे इनके पेरेंट्स बेहद खुश हैं। बिहार के ये 3 बच्चे न सिर्फ आज अपने स्कूल और बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि भारत को भी एक अलग पहचान देने में लगे हैं। और इन 3 बच्चों ने नासा में पहुंचकर कई और बच्चों को प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने और कुछ अलग करने के लिए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ ज्योति मिश्रा, ETV पटना।